तो ये षष्ठी रूपी ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा है। उस ड्रामा में जैसे जैसे समय की सुई घूमती जाती है, आत्मा अनेक जन्मों में अपना अपना पार्ट बजाती जाती है। ढाई हजार साल तक आत्माएं सुख का पार्ट बजाती है और उसके बाद 2500 साल तक आत्माएं नंबर वार दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाती है। सुख की षष्ठी को दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग की षष्ठी को रात कहा जाता है। यहाँ सब अज्ञान अंधकार में भटकते हैं, अपने को देह समझते हैं। देह रूपी मिट्टी समझने के कारण आत्मा देह अभिमान में डूबती चली जाती है। देवताओं को अपनी आत्मा की स्मृति रहती है सत्ययुग त्रेता में। द्वापर शुरू होता है तो आत्मिक विस्मृति हो जाती है। क्यों हो जाती है विस्मृति? क्योंकि द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है। सतयुग त्रेता है अद्वैत युग, वहां दो नहीं होते, एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक वंश होता है, एक भाषा होती है सारी दुनिया में। इसलिए सुख ही सुख होता है, उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। फिर समय पलटा खाता है, 2500 वर्ष के बाद द्वापर शुरू होता है। ये द्वैत फैलाने वाला कौन? द्वैतवादी दुनिया बनाने का निमित्त कौन बनता है? राम आते हैं तो अद्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। सतयुग त्रेता की देवता ही दुनिया का सृजन करते हैं और रावण आते हैं तो द्वैतवादी दुनिया बनाते हैं। अब ये रावण कौन? सतयुग त्रेता में एक ही धर्म था, द्वापर कलयुग में अनेक धर्म होते हैं, तो एकता में सुख होगा या अनेकता में सुख होगा? एकता में सुख होता है, अनेकता में दुख होता है। द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आकर के अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं, अलग अलग मतें बन जाती हैं, अलग अलग कुल बन जाते हैं, अलग अलग राज्य बन जाते हैं और सब आपस में टकराते हैं। उनके टकराने से कलह कलेश युगी दुनिया कलयुग का निर्माण हो जाता है। सब दुखी हो जाते हैं। तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना, एक ही परिवार में माँ की मत बाप से नहीं मिलती, बाप की मत बच्चे से नहीं मिलती, बच्चों की मत बच्चियों से नहीं मिलती, परिवार परिवार में विघटन होता है। अब ऐसी विघटित हुई दुनिया को जोड़ने वाला कौन है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। दुनिया विघटित होती आई है,
जुड़ने का नाम निशान नहीं। दिल टूटते चले जाते हैं, जुड़ने का नाम नहीं। आखिरी ने दिलों को जोड़ने वाला कौन है?